एक क्या नाम बताया? NCERT। फिजिक्स के पेपर में कहाँ कहाँ से आता है? एक ही जगह से आता है। नाम बताइए। NCERT। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसे कि आप सभी लोग की डिमांड पे लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 5 NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज फिजिक्स के लिए। जैसे कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट दिखा ही रहे हैं, उसके साथ साथ भाई थोड़ा और प्यार सपोर्ट दिखाओ, अपने दोस्तों यार को भी शेयर करो कि जकी भैया ने NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज नए सिलेबस न्यू वाली NCERT के अकॉर्डिंग फिजिक्स की पूरी NCERT को कवरअप करवा रहे हैं। तो आज हम लोग डिटेल में कवरअप करेंगे, अच्छे से चीजों को देखेंगे, सो दैट एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए सभी चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। तो ये NCERT के वीडियो किसके लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप क्लास 12 प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए, नीट के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि NCERT अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो बेस्ट मार्क्स आप लोग फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। तो एक एक चीजों को, एक एक लाइन को अच्छे से कवर अप करते हुए चलने वाले इस वीडियो में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज छोटा सा अपडेट दे देता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12th में हो और चाहते हो मेरे साथ फिजिक्स की प्रिपरेशन घर बैठे करना, तो मेरा हाल ही में बैच नंबर 1 स्टार्ट हुआ है, जहां पे मैं आप लोग की कंप्लीट फिजिक्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं 4 मंथ के अंदर, जहां पे बोर्ड 2024-2025 के लिए एक तगड़ी प्रिपरेशन आप मेरे बैच में कर सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, सभी क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स एग्जामिनेशन तक के अवेलेबल रहेगी, साथ में मेरे प्रीमियम फिजिक्स के क्लास 12 के नोट्स भी इसी के अंदर आप लोग को मिलने वाले हैं। इन सब के अलावा प्रीमियम मटेरियल भी आप लोग को मिलने वाला है और एक दमदार बैच रहेगा जिसमें हम लोग इजीएस्ट वे में घर बैठे वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी लाइव क्लास को मेरी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और मेरी एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। तो अभी जाएं एनरोल करें, अभी चल रहा है स्पेशल ऑफर जिसमें आप लोग को समर कोड यूज करना स्पेशल 30% ऑफ मिल जाएगा मेरे कोर्स में। अभी जाएं एनरोल करें और अपनी घर बैठे वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरे को सर्दी हो गई है इस वजह से मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी आएगी, तो एडजस्ट कर लेना, क्लियर है भाई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, ये चैप्टर भी मैग्नेटिज्म है, इससे पहले वाला भी मैग्नेटिज्म है, तो आखिर मेजर डिफरेंस क्या है दोनों चैप्टर में? तो जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली कि कोई एक मूविंग चार्ज है तो उसकी वजह से कैसी मैग्नेटिज्म हम लोग को देखने को मिल रही है, वो चैप्टर नंबर 4 में पूरा डेडिकेटली समझाया गया है। इस चैप्टर के अंदर एक नेचुरल मैग्नेट की वजह से कैसी मैग्नेटिज्म आप लोग को देखने को मिलती है, वो इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलने वाली है। अब इंट्रोडक्शन पोर्शन की अगर आप लोग बात करें यहाँ पे NCERT की, तो NCERT का इंट्रो पोर्शन ये बताता है कि मैग्नेटिज्म का जो फिनोमेना है ये ह्यूमन के इवोल्यूशन के साथ साथ आप लोग को देखते हुए मिला है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने कब जाने थे, तो 600 BC के अराउंड पहले ग्रीस में एक आइलैंड था जिसका नाम था मैग्नेशिया, वहां पे हम लोग को मैग्नेटिक ओर्स देखने को मिली थी और इस मैग्नेशिया नाम के आइलैंड के नाम पे ही मैग्नेट नाम यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले, किस तरीके से मैग्नेटिज्म इवॉल्व हुआ, क्या क्या चीजें हैं मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी के लिए, मैग्नेट होता क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है, इन सबको जानेंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, जो हमारी अर्थ है, अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, अर्थ में भी आप लोगों को मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को यह भी बताया जा रहा है मैग्नेटिज्म की एक प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो वो अपने आप अर्थ की मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग अलाइंड हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यह भी बताया गया है कि जैसे आप लोग किसी दो नॉर्थ पोल को करीब लेकर आओगे या दो साउथ पोल को करीब लेकर आओगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, और जब भी आप लोग किसी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल या नॉर्थ पोल को करीब लेकर आओगे तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कभी भी पोल्स अकेले नहीं रह सकते, इसका मतलब दोनों पोल्स कभी भी एग्जिस्ट होते हुए आप लोग को नहीं देखने को मिलेंगे। मान लो ये आप लोग का मैग्नेट है, आपने इसको बीच से तोड़े तो ये कभी मत सोचना कि इधर नॉर्थ जाएगा इधर साउथ। जितना ज्यादा आप मैग्नेट को तोड़ते जाओगे उतने ज्यादा पोल्स अपने आप बनते हुए जाएंगे। याद रखिएगा मैग्नेट के अंदर कभी भी मोनोपोल्स आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब सिंगल पोल देखने को नहीं मिलने वाले। अब अगला टॉपिक है आप लोग का बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है, बेसिकली बार शेप का एक मैग्नेट होता है, ये आप लोग का या तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप का बार मैग्नेट हो सकता है या फिर आप लोग का रेक्टेंगुलर शेप का बार मैग्नेट हो सकता है। बार मैग्नेट की खासियत ये है, खासियत क्या है भाई, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है दूसरी तरफ साउथ पोल होता है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, देन साउथ से नॉर्थ की तरफ आप लोग को देखने को मिलती है। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को समझा गया, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड दिखाई तो दे नहीं सकती है। तो हम लोगों ने क्या करे, एक बार मैग्नेट लिए और बार मैग्नेट के सराउंडिंग में हम लोगों ने आयरन की फिलिंग को यहाँ पे स्प्रिंकल किया गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व करे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन की फिलिंग ने एक शेप यहाँ पे एक्वायर कर ली, जिससे हमें यह समझ में आया कि कुछ ना कुछ एक फील्ड है जो कि मैग्नेट अपने अराउंड बना रहा है और वो है आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। जैसे कि एक आप लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखने को मिला करती थी, तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है कि द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग सजेस्टेड दैट द मैग्नेट हैज टू पोल्स,
सिमिलर टू दी पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ से दो नाम सजेस्ट किए गए, एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। और ये कहा गया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल की तरफ और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करती है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो फील्ड लाइन बन रही थी वो क्लोज लूप कभी नहीं बना रही थी, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव से निकल रही थी, नेगेटिव में जाके खत्म हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग को फील्ड देखने को मिल रही है वो ऐसी है कि ये नॉर्थ से निकल तो रही है, साउथ में जा रही है, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आप लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है। दैट्स व्हाई ये क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। इसके बाद अगला टॉपिक है आप लोग का कि वो ऑब्वियसली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। तो जो हर मैग्नेट अपने अराउंड में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से भी ये समझ में आ पाता है कि कहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां पे कम है। और जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी वहां वहां पे इन्फ्लुएंस रहेगा उस मैग्नेट का। जितना ज्यादा मैग्नेट से दूर आप लोग को कोई ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा तो वो बहुत धीरे धीरे उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, एज कम्पेयर टू कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ज्यादा आप लोग को करीब देखने को मिले तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड के ज्यादा अंदर पे रहेगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट हो पाएगा। परमिट अस टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज शोज बोथ द बार मैग्नेट एंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड इन द फिगर। इसे यही समझाया गया कि जो बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को देखने को मिल रही है वो सेम सोलेनोइड में जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है वैसी ही है। पर अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड को समझना है तो उसके विजुअलाइजेशन को समझना जरूरी है और वो समझाता है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें समझाया। कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने बताया है। सबसे पहले यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है चाहे मैग्नेट की या सोलेनोइड की वो कंटिन्यूअसली क्लोज लूप के फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या, जैसे एक मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ निकलेगी और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आप लोग को रवाना होते हुए देखने को मिलेगी। इससे हुआ क्या कि यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म हुआ और इलेक्ट्रिक डायपोल में ऐसा नहीं होता था, वहां पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता था और बस वहीं पे खत्म हो जाता था। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे पहला वाला एग्जाम्पल एक बार मैग्नेट का, दूसरा वाला एग्जाम्पल एक सोलेनोइड का और तीसरा वाला एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। जैसे आप लोग इन दोनों केसेस में देख रहे होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्लोज लूप फॉर्म करते हुए चल रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है फिर साउथ टू नॉर्थ, सेम इसमें भी ऐसी हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड को देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो रही है। क्या ये वापस आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। अगला पॉइंट आप लोग को ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है और आपको इस पॉइंट पे पता करना है वैल्यू क्या होगी तो टेंजेंशियली आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला करते थे। याद करो अगले पॉइंट में आपको ये समझाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड कहां स्ट्रॉन्गर होती है, तो ऑब्वियसली बात है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को ज्यादा डेंस देखने को मिलेगी वहां पे स्ट्रॉन्गर होगी, जहां पे थोड़ी दूर दूर हो जाएगी वहां पे थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि कहां पे आपको सबसे ज्यादा डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है तो वो स्पेसिफिकली पोल्स पे आपको देखने को मिलती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी, सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगले आप लोग का टॉपिक है, इसका नाम है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। इससे पहले वाले चैप्टर में तुम लोगों ने कहीं ना कहीं अच्छे से समझे होंगे कि करंट कैरिंग लूप जो है वो खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हुए आप लोग को देखने को मिला। इस चैप्टर में एक नया टॉपिक निकल के आया, वो ये कह रहा है कि एक सोलेनोइड है, क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को सेम टू सेम एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के जैसे देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटली डेरिवेशन है जो एनसीईआरटी ने स्किप कर दी, लेकिन हम लोगों ने वन शॉट वीडियो में इसको अच्छे से समझे। जो क्लास 12 के लिए पढ़ रहे हैं यार उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेरिवेशन को ज्यादा अच्छे से फॉलोअप करना। उसमें जो एट दी एंड जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आती है एक सोलेनोइड की स्पेसिफिकली पी पॉइंट पे वो आती है कुछ इतनी, जो कि आप लोग को एक मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पी पे आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इससे हमें यह समझ में आया कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट होता है सोलेनोइड के। तो ये चीज एनसीईआरटी ने आप लोग को यहां पे समझाई है। दिस इज ऑल्सो द फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट विच वन में obtained experimentally, does a bar magnet and the solenoid produce similar magnetic fields? The magnetic moment of the bar magnet is thus equal to the magnetic moment of equivalent solenoid that produces the same magnetic field. तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का कि अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, अब ये मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या, बेसिकली एक बार मैग्नेट ले लो और इसके बीच की स्पेसिफिक डिस्टेंस 2L ले लो, तो मान लेंगे इसको कि एक बार मैग्नेट का डायपोल है। तो इस डायपोल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में याद करो क्या था कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो टॉर्क एक्सपीरियंस होता था, सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही है कि आप लोग जैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड में एक डायपोल को प्लेस कर दो, ये डायपोल मैग्नेटिक डायपोल है दोस्तों, तो ये अपने आप टॉर्क प्रोड्यूस करने लग जाता है। मतलब बेसिक सी बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से मैग्नेटिक डायपोल के अंदर आप लोग को टॉर्क एक्सपीरियंस होते हुए देखने को मिलेगा। अब ये कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ये होगा आप लोग का, ये क्या है, देखो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता था, P
पी क्रॉस ई होता था, अब ये एनालॉगी है, यहाँ पे पी होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यहाँ पे एम होता है यहाँ पे स्पेसिफिकली मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और वहां पे ई था तो ई को रिप्लेस करके बी ले लिया गया, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना, एम बी साइन थीटा के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिल रहा है। या थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा शायद आप लोगों को याद है चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सेम टू सेम वैसी होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस पीई डॉट प्रोडक्ट में, और मैग्नेटिक के लिए क्या होती है, पी की जगह पे आ जाएगा एम और ई की जगह पे आ जाएगा बी, तो आप लोग को देखने को मिलेगी माइनस एम डॉट बी, और डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली बात है कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। अगर कोई आपसे पूछता है कि पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, मिनिमम तब हो सकती है जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो रख दी जाए, तो वैल्यू मिलेगी माइनस एम बी, और इस केस में याद रखना मोस्ट स्टेबल पोजीशन होगी डायपोल की। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, जब आप लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख दो, तो उस टाइम पे आप लोग की वैल्यू बन जाएगी प्लस ऑफ एम बी, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा और वो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन होगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये क्लियर है। अगले टॉपिक की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी, मतलब कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या रिश्ता नाता है, क्या एकदम एक दूसरे के रेप्लिकेटेड है। हाँ जी बिल्कुल रेप्लिकेटेड है। तो याले चैप्टर के अंदर जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसको आप लोग पूरी तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हो चैप्टर नंबर 1 से। कैसे, बस जो पूरे चैप्टर 1 में जितने डेरिवेशन है ना उसको मैग्नेटिज्म के हिसाब से भी बना सकते हैं आप, एक्सियल इक्विटोरियल से लेकर टॉर्क वाले से लेकर सब कुछ को। कैसे, बस वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की वैल्यू उसको रिप्लेस करके बी लिख दोगे, और जो वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है उसको रिप्लेस करके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट रख दोगे, और जो वहां पे कांस्टेंट तक के जिसकी वैल्यू होती थी 1/4πε0 उसको रिप्लेस करके अगर आप लोग 0/4π रख दोगे, तो पूरा का पूरा आप लोग को सेम टू सेम चीजें देखने को मिलेगी, पूरे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। तो जो इक्विटोरियल की वैल्यू वहां पे आती थी वो आती थी 1/4πε0 पी अपॉन एक्स की पावर 3, तो पी को रिप्लेस करके एम रख दो, 1/4πε0 को रिप्लेस करके 0/4π रख दो, ई को रिप्लेस करके बी रख दो, एनालॉगी बन गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड इक्विटोरियल की पता चल गई। ऐसी एक्सियल में भी सेम टू सेम वहां पर वैल्यू क्या होती थी 1/4πε0 2π/3, तो इसको अगर आप लोग को रेप्लीकेट करना है एक्सियल के लिए मतलब मैग्नेटिक फॉर्म में, तो आप लोग को बेसिकली करना क्या होगा, 1/4πε0 की जगह पे आप लोग को ये रखना होगा, 2πp की जगह पे m रखना होगा और एक्स की पावर 3, तो बन गया भाई। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को यहां तक क्लियर है, तो एक्सियल के लिए आप लोग ये वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज आप लोग को समझाई गई है। तो डायपोल मूवमेंट में आपको पी को बस एम रखना है अगर मैग्नेटिज्म के लिए बनाना है, तो इक्विटोरियल की वैल्यू ये हो गई, एक्सियल की वैल्यू हो गई, टॉर्क की वैल्यू देख लो, एनर्जी की वैल्यू, बस याद रखो यार रिप्रेजेंटेशन की जो वैल्यूज है, ई की जगह पे आप लोग को बी यूज करना है, पी की जगह पे एम यूज करना है, इस कॉन्स्टेंट की जगह पे इस कॉन्स्टेंट को यूज करना है, बाकी सब सेम देखने को आप लोग को मिल जाएगा। एंड गॉस लॉ, जैसे आप लोग जानते हो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़े थे, गॉस लॉ किसी भी स्पेसिफिक क्लोज सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो बताता था, तो ऐसे याद रखिएगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता था, और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा कि एनसीईआरटी ने आप लोग को बेसिकली ये बताई है कि जैसे वहां पे आप लोग को वैल्यू क्या आती, 5 विच इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्साइलॉन नॉट, चार जहां पे पॉइंट चार्ज अकेला था। अब बेसिक सी बात है, इसको हम लोग को अगर एनालॉगी बनाएंगे तो चार्ज की जगह पे हम लोग को एक मोनोपोल रखना पड़ेगा, और मोनोपोल क्या एग्जिस्ट होता है, नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बात है जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ की वैल्यू आप लोग को मिलती है, जो फ्लक्स की वैल्यू मिलती है वो जीरो होती है। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई एक बार देख लेते हैं। द सिचुएशन इज रेडियली डिफरेंट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड आर कंटिन्यूस एंड फॉर्म क्लोज लूप, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो फॉर बोथ द सर्फेसेस, जितने अंदर आ रहे हैं उतने बाहर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, यहाँ जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू जीरो देखने को मिलेगी। या मैं कह सकता हूँ एक मेजर डिफरेंस जो मैंने आप लोग को अभी सिंपल वे में समझाया, द डिफरेंस बिटवीन द गॉस लॉ ऑफ द मैग्नेटिज्म एंड दैट फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोपोल्स आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट, देर आर नो सोर्स और सिंक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट इन अ डायपोल और अ करंट लूप, ऑल द मैग्नेटिक फिनोमेना कैन एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द डायपोल एंड द करंट लूप, द गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये वाले टॉपिक में आप लोग को ना बेसिकली छोटे छोटे से आप लोग को यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह है और ढेर सारे फॉर्मुले है, तो जो आपके काम आने वाले हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले आप लोग का टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू द वॉल्यूम,
और उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और स्मॉल एम यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, और वी है वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। एम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है और उसके डायमेंशन की वैल्यू गिवन है, उसको मेजर किया जाता है एम्पीयर पर मीटर से। इसके अलावा आप लोगों को ये बताया गया कि सोलेनोइड के इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो इतनी मिलती है, जो चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़े हो। इसके आगे एनसीईआरटी का ये कहना है कि इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड इज फिल्ड विद द मटेरियल विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन द फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड विल बी ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस टाइप पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगी वो बच जाएगी आप लोग की बी नॉट प्लस बी एम। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना। तो ये देख लो वही लिखा हुआ है, बी एम इज द फील्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल। यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये भी बताया कि जो बी एम है एक्चुअल में ये प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजेशन के, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे कॉन्स्टेंट आएगा तो कॉन्स्टेंट आता है यहाँ पे म्यू नॉट। और म्यू नॉट क्या होता है दोस्तों, बेसिक सी बात है, परमिटिविटी नहीं परमिएबिलिटी होती है, और नॉट लगा इसलिए स्पेसिफिकली परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होगी। इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना मैग्नेटाइजेशन ये है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, और इसका स्पेसिफिक फॉर्म एनसीईआरटी ने बताया है एच विच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट माइनस कैपिटल एम। और याद रखिएगा जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है और जो मैग्नेटाइजेशन है उन दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं और यूनिट भी सेम होती है। इसके अलावा एक और नया फॉर्म है आप लोग को देखने को मिल रहा है, बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर आप लोग को देखने को मिल रहा है एच प्लस एम। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आप लोग इसको लिख सकते हो। इसके अलावा आप लोग को यहाँ छोटे छोटे फॉर्म्स और दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली साई दिया हुआ है। साई स्पेसिफिकली होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे इससे पहले वाले चैप्टर्स में। इट इज द मेजर ऑफ हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फील्ड। तो याद रखिएगा साई की वैल्यू स्मॉल और पॉजिटिव रहती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, और स्मॉल और नेगेटिव रहती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। इसके अलावा इसके आप लोग को एक दो फॉर्म और यहाँ पे दे दिया है, तो आप लोग चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो। म्यू आर आप लोग का होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी हुआ करती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर वैसे ही। और शायद आप लोग को वहां पे याद होगा वो क्या होता था, ई आर विच इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट, है ना। और इसको इधर कर देते तो ई एम विच इज इक्वल टू ई आर ई नॉट हो जाएगा। इसके एनोलॉगी अगर बनाओ तो म्यू एम विच इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट। तो यही फॉर्म आप लोग को यहाँ पे गिवन है, और एनसीईआरटी ने कही है कि जो म्यू आर है उसकी वैल्यू होती है 1+7, तो उसकी वैल्यू को पुट कर दिया तो एक नया स्पेसिफिक फॉर्म यहाँ पे बन। तो ये जो तीन क्वांटिटीज आप लोग को देखने को मिल रही है साई म्यू आर म्यू, ये सभी के सभी इंटर रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो छोटे छोटे आप लोग को यहाँ पे एक्सप्रेशन है फॉर्मूले के तौर पर आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में आ जाते हैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अगला आप लोग का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। गाइज याद रखिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अलग अलग तरीके से बिहेवियर दिखाते हैं। तो आइए इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानते हैं कि किस टाइप के आप लोग के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। एनसीईआरटी ने आप लोग को स्पेसिफिकली बताया कि तीन टाइप के आप लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स देखने को मिलने वाले हैं। एक होता है डायमैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। तो एनसीईआरटी ने आप लोग को यह बताया कि ससेप्टिबिलिटी के टर्म में कोई भी मटेरियल किस तरीके से क्लासिफाइड होता है। तो अगर साई की वैल्यू नेगेटिव है तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, अगर साई की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पैरामैग्नेट होगा, और अगर साई की वैल्यू पॉजिटिव है और साथ ही साथ स्मॉल है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, और अगर साई की वैल्यू लार्ज और पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को स्पेसिफिक टेबल है, इसको याद करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में अगर 12th में अच्छे नंबर लाना है तो। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आप लोग के पास एक एक करके चीजें समझाई जा रही है, मैं आप लोगों को एकदम बेसिक वे में समझाने की कोशिश करता हूं सो दैट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तीन टाइप के होते हैं, एक होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम लोग इसमें सबसे पहले बात करें डायमैग्नेटिक मटेरियल की, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल ना जैसे आप लोग किसी मैग्नेट को डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास लेकर आओगे वो मटेरियल उससे रिपेल करने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करेगा उससे। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास अगर आप एक मैग्नेट को लेकर आओगे तो वो उसके तरफ आने की कोशिश करेगा, और फेरोमैग्नेट की तरफ लाओगे तो और ज्यादा तेजी से उसके तरफ आने की कोशिश करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि रिपेल करने की कोशिश करते हैं, ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और ये हाईली मैग्नेटाइज सब्सटेंस होते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो कि ये आप लोग का है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो ये रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो जिस तरफ आप लोग की एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके अपोजिट इन डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होता है। तो इस टाइम पे जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी तो वो आएगी बी नॉट माइनस बी एम। और अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइंड हो जाते हैं, और इस टाइम पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी बी नॉट प्लस बी एम। सेम टू सेम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी देखने को मिलेगी। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, दे आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और वही चीज लिखी हुई कि मैग्नेट अट्रैक्ट द मेटल लाइक आयरन, इट वुड रिपेल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक एग्जांपल समझाया गया है, जैसे ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है
और उसके पास से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर होने की कोशिश करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इसलिए बाहर बाहर से निकलते हुए जा रही है। तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, फिगर शोज दैट द बार ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड लाइंस आर रिपेल और एक्सपेल एंड फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज रिड्यूस्ड एंड प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड। अब यहाँ पे ना पूरे के पूरे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्यों इस तरीके से ये ऐसा हो रहा है कि जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट में जाके मैग्नेटाइज हो रहा है, क्यों रिपेल कर रहा है, आइए इसको समझते हैं। तो आइए समझते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं कि जितने भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इन सबके पास इवन नंबर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इवन नंबर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उसी की वजह से ये सब कांट हो रहे हैं। अब इवन नंबर के फॉर्म में है तो याद रखना एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इवन फॉर्म में तो है, लेकिन सबके सब एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। मतलब क्या, मान लो कोई एक एटम है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के मैंने यहाँ पे दो फॉर्म बना दिया हूं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड पे दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इवन नंबर के पेयर, तभी काम बनेगा भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को समझने के लिए। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को अलग बना दिया हूं, एक इलेक्ट्रॉन को अलग बना दिया हूं, एक मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, एक मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। याद रखिएगा दोनों एक के अंदर ही होते, एक न्यूक्लियस के अराउंड ही होंगे। बस मैं समझाने के लिए दोनों को अलग अलग बताया हूं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तभी मूव कर सकता है जब इन दोनों पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हो जाए। तो सेंट्रिपिटल फोर्स अंदर की तरफ आप लोग को लगते हुए देखने को मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट इन डायरेक्शन में करंट होता है। और आप जानते हो कि अगर करंट दौड़ रहा है तो आप लोग लगा सकते हो राइट हैंड थंब रूल और इसके थ्रू निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगते हुए देखने को मिलेगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आप लोग को लगते हुए देखने को मिलने वाली है उस सब्सटेंस की। तो मुझे एक बात बताइए, जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है क्या ये बराबर है? ऑब्वियसली बराबर है, एक अंदर की तरफ लग रही है एक बाहर की तरफ लग रही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगी दोनों की? दोस्तों दोनों की आ जाएगी जीरो। तो इससे ये समझ में आया कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बीएम की वैल्यू जीरो देखने को मिलेगी हमेशा। लेकिन हमेशा ये ऐसे होने नहीं वाला है। आई होप आप लोग को याद होगा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड के करीब लेकर आते थे तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल करने लग जाता था। आखिर ये क्यों करने लग जाता है? तो इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, मान लो एक ऐसी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, ये येलो कलर की दिख रही है ना, ये है इनवर्ट मैग्नेटिक। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो जो एटम है, एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है, किस्म से मूविंग चार्ज है, और मूविंग चार्ज जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग निकाल लिया कि मैग्नेटिक फोर्स जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बाहर की तरफ लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस टाइम पे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इनवर्ट लग रहा है। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, पहले इस केस में देख लेते हैं, यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि कैंसिल आउट करने की वजह से सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही होगी ना, यहाँ पे जो फोर्स है आप लोग का कम हो रहा होगा। इस केस में क्या हो रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों मिलकर यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू और बढ़ा दे रहे होंगे। अगर यहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू कम हो रही होगी मतलब वेलोसिटी कम हो जा रही होगी, वेलोसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रोटेट करेगा, रोटेशन यहाँ पे स्लो हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगी, और एट दी एंड हमें यहाँ पे जो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट देखने को मिल रही थी इस मटेरियल में याले इलेक्ट्रॉन की वजह से वो भी कम देखने को मिलने वाली है थोड़ी। इस केस में क्या हुआ, सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से रोटेट करना चालू करा, जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा उतना ही तेजी से करंट दौड़ेगा, जितना तेजी से करंट दौड़ेगा उतना तेजी से आप लोगों को बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आप नेट मैग्नेटिक फील्ड इसकी निकालोगे तो कैसे निकलेगी, याद करो अच्छे से, आउटवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है एज कम्पेयर टू इनवर्ट के, आउटवर्ड को इनवर्ट से माइनस कराओगे तो एट दी एंड वैल्यू आउटवर्ड ही मिलेगी ना। तो अब समझ में आया, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इस वजह से वो रिपेल होते हुए आप लोग को देखने को मिल रही है। आई होप क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हुए? तो वही चीज आप लोग को एनसीईआरटी ने यहाँ पे बेसिकली समझाई है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन,
नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये सभी के सभी एक एग्जांपल के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। डायमैग्नेटिज्म आप लोग को सभी में सब्सटेंस के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसके अलावा एक एक्जोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात यहाँ पे करी गई जिसका नाम है सुपर कंडक्टर। इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई पढ़ लेते। दीज आर द मेटल कूल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर विच एग्जिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। हियर द फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है। अ सुपर कंडक्टर रिपेल अ मैग्नेट एंड दिस फिनोमेना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन द सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड मेसनर्स इफेक्ट। अगला आप लोग का टॉपिक है जिसका नाम है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये एक ऐसे टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब ये फूफा जी की तरह है कि यार इनका दिल भी हो रहा है गुलाब जामुन खाने का लेकिन नखरे भी बहुत बता रहे हैं। हाँ ठीक है, खा लेंगे, फिर खा भी रहे हैं वैसे ही कुछ। ये मैग्नेटाइज होना भी चाहते हैं लेकिन थोड़ा नखरे बताते, इसलिए वीकली मैग्नेटाइज। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दोज आर गेट वीकली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा स्पेसिफिक थ्योरी को। अब जितने भी आप लोग को यहाँ पे पैरामैग्नेट या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, इन सब के अंदर आप लोग को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक एटम्स के अंदर वो ऑड नंबर में होते हैं। मान लो अगर 25 इलेक्ट्रॉन्स है तो 12 12 का तो पेयर बन जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का तो खेल हो जाएगा ना, वो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा घूमता रहता है और उसकी वजह से आप लोग को वीकली मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलता रहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा तो हल्का फुल्का करंट दौड़ता रहेगा, हल्का फुल्का करंट दौड़ता रहेगा तो हल्की फुल्की मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को देखने को मिलती है। इस वजह से इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी आप लोग को यहाँ पे रैंडम मोशन आप लोग को देखने को मिलता रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को यहाँ पे मैंने डिनोट किया हूँ। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो जो एक दो बच जा रहे हैं ना उनके, इसकी वजह से उनके डायरेक्शन को मैंने रैंडमली यहाँ पे डिनोट किया हूँ। अब रैंडम मोशन होने की वजह से होता क्या, ऑब्वियसली बात है ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हो। इंडिविजुअल एटम के अंदर तो आप लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है, बट अगर मैं बात करूं मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड नेट वाली तो वो जीरो हो जाती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जितने भी आप लोग को इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन निकल के आता है वो जीरो आता है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे उस स्पेसिफिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो जितने भी इसके अंदर आप लोग के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मूवमेंट कर रहे थे वो सभी के सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ अलाइंड हो जाते हैं एक साथ। और जब एक साथ अलाइंड हो जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड प्लस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कहा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे आप लोग को नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्गर देखने को मिल रही है। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आप लोग के मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, यहाँ पे आप लोग जीरो नहीं होती है। तो याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी से समझाया जाता है जो एनसीईआरटी ने आप लोग को यहाँ पे समझाई है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कुछ इस तरीके से बनती है। मतलब क्या, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर से जाने की कोशिश करेगी क्योंकि ये वीकली मैग्नेटाइज है, रिपेल नहीं कर रही है, अंदर की तरफ बुला रही है। ये चीजें आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ ऐसे मटेरियल है जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोथ साय एंड म्यू आर डिपेंड नॉट ओनली ऑन द मटेरियल बट ऑल्सो ऑन द सैम्पल टेम्परेचर। अगला टॉपिक आप लोग का फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है, गोली की तरह, मतलब लड्डू दिखे नहीं कि पूरे अपने तरफ, वैसे ही फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल अपने अराउंड से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको अपने तरफ सबसे ज्यादा तेजी से खींच लेता है, एक भी फील्ड को बाहर नहीं जाने देता। गैल्वेनोमीटर के केस में आप लोग को देखने को मिला होगा सो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा से ज्यादा उस स्पेसिफिक आर्मेचर से होकर गुजर सके। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। They have strong tendency to move from the region of weak to the strong magnetic field. They get strongly attracted towards the magnet. अब इसको समझाने के लिए यहाँ पे डोमेन थ्योरी की जरूरत पड़ेगी जो कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी जैसी है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी आप लोग को ऑड नंबर में देखने को मिल रहा है तो रैंडम मोशन आप लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ना ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करें, ढेर सारे ग्रुप के एटम्स को डोमेन की तरह यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो एक डोमेन के अंदर ढेर सारे एटम्स हैं, उनके वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके रैंडम मोशन को यहाँ पे समझाया गया। ऑब्वियसली बात है आपने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया नहीं हो, उस टाइम पे रैंडम मोशन होगा यहाँ पे डोमेन्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उनका, तो सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज रैंडम मोशन में, तो जीरो हो जाएगा। जैसे आप लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो जितने भी डोमेन्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बीएम वो सभी के सभी अलाइंड हो जाएगी टुवर्ड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से होगा क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्ट्रांग हो जाएगी और साथ ही साथ आप लोग को इस तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो यही चीजें आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है गाइस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी ने यहाँ पे आप लोग को दे दिया है कि इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटाइजेशन वर्सेस सच मटेरियल आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड फेरोमैग्नेट। एलनीको नाम के एक आयरन के एलॉय के बारे में बताया गया है। लॉर्ड स्टोन भी एक इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है। सच मटेरियल फॉर्म परमानेंट मैग्नेट टू बी यूज्ड अमंग द अदर थिंग्स like compass needle. On the other hand, there is the class of ferromagnetic material in which magnetization disappear on removal of the external field. Soft iron iska sabse bada example hai. Approximately enough such as material are called soft ferromagnetic material. There are number of elements which are ferromagnetic. Iron, cobalt, nickel, etc. Relative magnetic permeability thousands se zyada aap log ko dekhne ko milti hai. The ferromagnetic property depend on the temperature. At higher enough temperature, the ferromagnetic become पैरामैग्नेट। तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रखा होगा। इसके बाद आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी कि आप लोग हो सके तो खुद से भी एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लो सो दैट आप लोग का रिवीजन अच्छा खासा हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जानता हूँ आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, तो बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आप सब लोग के लिए लेकर आने वाला हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।